हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं, किस तरह का आपकी पर्सनालिटी, किस तरह का आपका नेचर स्वभाव समझते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। तो इसमें हम देखेंगे कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, या कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको दूर से जानते हैं या आपके आसपास के लोग हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो। ओके, वी विल शफल अगेन। आइए देखते हैं लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं। ओके, किंग ऑफ अर्थ, दिस इज द फर्स्ट कार्ड वी हैव। Okay, let's shuffle more. Eight of Fire. Let's see more. Okay, we have Nine of Air. Earth, Fire, Air. And Messenger of Earth. Nice, chaliye. Ye cards aapke liye read karte hain. Wait a second, viewers. ओके, सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो व्यूअर्स, जो लाइफ में स्टेबल हो। आपकी लाइफ में बहुत एडवेंचर, बहुत केओस, या आपकी लाइफ बहुत अनस्टेबल, उथल पुथल लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइफ में ड्रामा, बहुत ज़्यादा लाइफ में, यानी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके एडवेंचर नहीं है, या एडवेंचर है भी तो भी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। ओके, आपकी लाइफ एक स्थिर लाइफ है। लोगों की नज़र में उनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टेबल इंसान हो, एक स्टेबल लाइफ जीने वाले। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है आपकी लाइफ, ट्रेजिक नहीं है आपकी लाइफ, और बहुत ज़्यादा मेस्ड अप और केओटिक नहीं है, यानी कि खिचड़ी नहीं बनी हुई है आपके जीवन की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है। यू हैव अ सिंपल एंड स्टेबल लाइफ, ऐसा लोगों को लगता है आपके बारे में, एंड यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये भी लोगों को लगता है कि आप खुद भी एक सिंपल और एक स्टेबल इंसान हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं दैट यू आर समवन, आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपने किया है लाइफ में, खुद किया है, और जो करेंगे वो खुद करेंगे, किसी पे डिपेंड होके, ये किसी को, किसी का सहारा ज़्यादा लेके, किसी की सिफारिश लेके आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में, ना ही बढ़ते हैं। जो भी लोग आपको जान रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके आसपास के लोग, वो ऐसा ही सोचते हैं दैट आप खुद से आगे बढ़ के, खुद से कोशिश करके लाइफ में स्टेबिलिटी पा सकते हैं, और ऐसे ही पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ लोगों के जहन में ज़रूर है आपके बारे में, कि जो आप करोगे वो खुद से करोगे, ज़्यादा किसी पे डिपेंड होके नहीं करोगे, और आपकी पर्सनालिटी है भी नहीं ऐसी, आप एक ऐसे इंसान हो भी नहीं जो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, जो दूसरों पर निर्भर रहे किसी बात के लिए। फाइनेंशियली भी आप किसी पर इंडिपेंडेंट होना कभी पसंद नहीं करोगे, इमोशनली भी आप किसी पर डिपेंडेंट होना कभी पसंद नहीं करोगे, लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करोगे जो ओवर ड्रामेटिक हैं या कहीं ना कहीं चीप चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप नहीं करोगे। यू आर अ स्टेबल पर्सन, और एक स्टेबल लाइफस्टाइल आपका है, जिसमें स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर व्यूअर्स ये है कि आपकी लाइफ में एक स्थिरता देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज मैं ऐसा हूँ कल मैं वैसा हो गया, आज मेरे डिसीजंस ऐसे हैं कल मैं, हिपोक्रेसी नहीं है आपकी लाइफ में, डिप्लोमेसी नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है कि कहते कुछ हैं कर कुछ और दिया, बोलते कुछ हैं लेकिन बिहेवियर कुछ और है, या मानना कुछ और है।
तो वो आपके अंदर हिपोक्रेसी नहीं है, आपकी लाइफ में एक सरलता है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, एक स्मूदनेस है। और वो स्मूदनेस तभी किसी की लाइफ में दूसरे इंसान तभी नोटिस कर पाते हैं जब दूसरे की लाइफ साफ सीधी सरल चलती है, क्लीन चलती है, तभी दूसरे लोग ऐसा सोच पाते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर दूसरे लोग ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में दैट कहीं ना कहीं आपके अंदर अकेले खुश रहने की वो है, क्वालिटी है, दैट आप अकेले रहते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। शायद लोग ऐसा कहते हैं कि इनको अकेले ही अच्छा लगता है, इनको ना ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज करना, ज़्यादा इंटरेक्शन करना इतना पसंद नहीं है। यू डू इंटरेक्ट विद पीपल, यू सोशलाइज विद देम, बट व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हेनेवर इट लुक्स नेसेसरी, जब भी ज़रूरी लगता है, जब भी ज़रूरत महसूस होती है, तब आप इंटरेक्ट भी करते हैं, सोशलाइज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेटेड इंसान है, दुनिया से कट के अलग थलग नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके बिहेवियर को देख के लोग ऐसा जज करते हैं, चाहे ये सच हो ना हो वो तो आप बताएंगे, कि व्यूअर्स आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या अकेले आप ज़्यादा खुश रहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं जब आप, यानी खुद के साथ जब वक्त बिताते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपको अच्छा पसंद ज़्यादा है, अकेले समय बिताना या अकेले कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करना वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू सोशलाइज करना ज़्यादा या ज़्यादा इंटरेक्ट करना। या दूसरे लोगों को व्यूअर्स ये भी लगता है आपके बारे में दैट यू आर नॉट अ वेरी लाउड पर्सन, आप एक लाउड इंसान नहीं है, यानी कि ड्रेसिंग सेंस भी होगा तो बहुत चटक मटक चमक धमक ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इवन पार्टी वेयर्स भी आपके इतने इतने ब्लिंगी शाइनी ग्लिटरी ऐसे नहीं होंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा ही कलरफुल, ज़्यादा ही ब्राइट कलरफुल, या आपकी चॉइसेस भी अगर कलर्स में है तो वो ज़्यादा ब्राइट नहीं, न्यूट्रल कलर्स पसंद होंगे आपको, या फिर बहुत लाउड इंसान नहीं हो आप, म्यूज़िक का टेस्ट जो है आपका वो भी एक स्मूद टेस्ट है, इंग्लिश में हो या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, या बहुत सारी आदतें जो हैं आपकी वो भी बहुत लाउड आदतें नहीं हैं, कुछ ऐसा आप पसंद करते हैं जो थोड़ा पीसफुल है, क्रिएटिव है, तो लोगों को ये चीज़ आपके बारे में पसंद है दैट यू आर अ वेरी काम पीसफुल एंड स्टेबल पर्सन। यस, आप एक काम इंसान है, एक पीसफुल इंसान है, एक स्टेबल इंसान है। और ये भी लोगों को अच्छा लगता है व्यूअर्स आपके बारे में, या फिर ऐसे लोग सोचते हैं आपके बारे में कि आपकी जो लाइफ है या उसमें आपकी जो पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, लाइक यू विल नॉट डू एनीथिंग टू इम्प्रेस अदर्स, टू प्लीज अदर्स, टू फिट इन सम ग्रुप और इन सम कैटेगरी, यू वॉन्ट डू दैट। मतलब आप ना कहीं फिट इन होने के लिए, किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपको पसंद करे, कोई आपको अपना ले, एक्सेप्टेंस दे, अप्रिशिएशन दे या कॉम्प्लीमेंट्स दे, या कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस हो जाए, तो उन ये सब करने के लिए ना आप कुछ नहीं करते हैं, लाइक ये सब काम ही नहीं है आपका। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज करने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तो यू आर नॉट बॉर्न टू प्लीज अदर्स, टू इम्प्रेस अदर्स, ये आपकी पॉलिसी है, आपका जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि आप दूसरों को प्लीज करें, इम्प्रेस करें। तो लोग ये समझते हैं कि रहने दो, वो किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेगी, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेगा, किसी को रिझाने मनाने या किसी को किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगी, ऐसा कहते हैं लोग आपके बारे में। ये बहुत ही क्लोज लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा क्लोज पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में वो हो सकते हैं। तो ये तो जो मैंने कहा कि आप एक लाउड इंसान नहीं हो लोगों की नज़र में, आप एक पीसफुल इंसान हो, वो क्या जब तक आपको कोई परेशान ना करे, छेड़े ना, इरिटेट ना करे, पोक ना करे आपको, जब तक कोई, तब तक आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल पीसफुल और काम ही रहेंगे लोगों की नज़र में, ऐसा है। लोगों की नज़र में व्यूअर्स ये भी है दैट यू आर समवन जो जिसके आसपास कितने भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, फिर भी आप शाइन करते हो,
फिर भी यू शाइन ब्राइट, यानी कि आपकी लाइफ में झमेले लोगों ने बहुत देखे हैं कि इसकी लाइफ में अब ये स्ट्रगल आ गया, इसकी लाइफ में अब वो प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ब्रेकअप हो गया, लॉस हो गया, यू नो, और लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं अगर, तो भी आप ना तब भी उसमें ना यू राइज फ्रॉम दैट सिचुएशन, और यू नो आप उस परिस्थिति में भी ना शाइन करते हो, यानी वहाँ से भी ना जीत कर बाहर आते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है व्यूअर्स कि करेजस, दैट इज़ द राइट वर्ड, कि आप में हिम्मत है हर परिस्थिति को फेस करके उसे ओवरकम करने की, उसे विन करने की आप में कैपेसिटी भी है, आप में करेज भी है। तो लोग आपको बहुत हिम्मत वाला समझते हैं, लोग आपको डरपोक या कावर्ड नहीं समझते, उन्हें आप डरपोक नहीं लगते, लोगों को लगता है आप में बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है आप में। यस, इवन पीपल थिंक दैट यू इजीली मेक फॉलोअर्स, यानी कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप तो किसी को फॉलो नहीं करते बट बहुत सारे फॉलोअर्स आपके बन जाते हैं आसानी से। और वो फॉलोअर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स अच्छे से ग्रो होते हों या आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हों, या सोशल मीडिया की बात नहीं है ये स्पेसिफिकली, ये बात है कि लोग आपसे इजीली इन्फ्लुएंस होके, इजीली कन्विंस होके, आपसे इजीली इम्प्रेस होके, खुद ही आपसे अट्रैक्ट होके कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं एज इन आप जो बात कह रहे हो लोगों को बात वो सही लगती है, आपकी जो चॉइस है, आपका जो तरीका है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अपनाते हैं, कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं योर वे ऑफ लिविंग, आपका जो तरीका है जीने का उसे पसंद करते हैं लोग, आपकी बातों से सहमत हो जाते हैं, आपकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी स्किल्स और क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिससे लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों की नज़र में व्यूअर्स आप एक ऐसे इंसान हो जो ईजिली दूसरों को प्रभावित कर सकता है या जिससे दूसरे लोग ईजिली प्रभावित हो जाएंगे और फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको फॉलोअर्स बनाने के लिए किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू नेचुरली, लोग आपको नेचुरली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको आपसे इंस्पायर होके, आपसे कुछ कॉपी करके, आपसे कुछ सीख के, आपसे कुछ यू नो प्राप्त करके, दे स्टार्ट यू नो फॉलोइंग यू। यहाँ पर लोगों की नज़र में व्यूअर्स आप एक ऐसे इंसान भी हो जो हमेशा ना लॉजिकल बात करते हो, लाइक अक्ल की बात करोगे, समझदारी की बात करोगे। या पीपल नेवर सॉ यू टॉकिंग रबिश, किसी ने आपको ना फालतू बात करते हुए, बकवास करते हुए नहीं देखा है। और फालतू बात और बकवास बात क्या है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब भी आपको देखा है बात करते हुए, जब भी आपकी कोई बात, आपका कोई पक्ष सुना है, तो एक सेंसिबिलिटी है आपकी बातों में, उसी से भी पता लगता है कि बहुत स्टेबल हो आप मेंटली भी काफ़ी स्टेबल हो। तो यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या एक या दो भी हो सकते हैं, जो सोचते हैं कि व्यूअर्स आप जो हो ना बहुत पते की बात करते हो, सेंसिबल बात करते हो, लॉजिकल बात करते हो, आपकी बात में दम होता है, आपकी बात में फैक्ट्स होते हैं, आपकी बात में डेप्थ होती है, आपकी बात में अच्छा रीज़न होता है, अच्छा अच्छा उसका कह सकते हैं कि मीनिंग होता है, मतलब आपकी बात जो होती है ना वो एक ऐसी बात होती है कि उसे सुनना समझना चाहिए। वो ज़रूर आप कह रहे हो तो पति की बात होगी, आप कह रहे हो तो ज़रूर कोई समझदारी की बात होगी। तो लोगों को लगता है कि आप समझदारी की बात करते हैं, मैच्योर बातें करते हैं, अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदारी की, सेंसिबिलिटी की और मैच्योरिटी की बातें करते हैं, करेजिस बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपसे इजीली इन्फ्लुएंस होकर आपको फॉलो करना जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स जल्दी बनते हैं, अकेले आप इन्जॉय करते हैं, अकेले आपको रहना अच्छा लगता है। ये भी लोग कहते हैं। और आप बहुत लाउड इंसान नहीं हैं, पीसफुल, काम और थोड़ा शांति में रहने वाले इंसान हैं ये सब। आइए हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। व्यूअर्स कहीं ना लोगों को लगता है कि आप अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं, लाइक जो आपकी एज है, एक्चुअल एज जो आपकी है, उससे ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी बातों में है। दैट्स व्हाट पीपल फील अबाउट यू, लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में। व्यूअर्स यू आर समवन हु इज अ गो गेटर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो जिस आपको जो चीज़ चाहिए ना उसके लिए फिर आप ज़्यादा रोते धोते नहीं हैं,
यू जस्ट गो एंड गेट दैट. आपको जो चाहिए होता है ना उसको फिर आप प्राप्त कर लेते हैं बाय हुक और बाय क्रूक. मेहनत करेंगे, जो भी करेंगे आप, जो भी तरीका अपनाएंगे यू नो, बट कुछ चीप नहीं करेंगे, जो भी करेंगे डिग्निफाइड वे में करेंगे और जो आपको चाहिए उसे प्राप्त कर लेंगे. गो गेटर, यानी कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल भी जाएगा, आप उसे प्राप्त करने के लिए इनफ पैशनेट भी होंगे. तो यहाँ पर ना आपकी लाइफ में लोगों को ऐसा लगता है कि एक प्रिपेयर्डनेस है कि जैसे जो आपके साथ कभी कुछ भी हो जाए तो आप रेडी हो हमेशा. यू ऑलवेज लुक रेडी, यू ऑलवेज लुक प्रिपेयर. कोई आपको शॉक या कोई आपको धक्का नहीं लग सकता ऐसे, क्योंकि यू ऑलवेज लुक प्रिपेयर. आप हमेशा रेडी लगते हो, तैयार लगते हो फॉर द चेंजेस. कोई चेंज आ जाए कभी लाइफ में, कोई कभी डिफरेंट न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा भी आपको सुनने को मिले जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो भी एकदम धक्का नहीं लगता आपको, क्योंकि मेंटली आप चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हो कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. आई एम रेडी टू टेक इट और आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. ऐसा तो आपके अंदर ना व्यूअर्स एक एक्सेप्टेंस भी है और प्रिपेयर्डनेस है चीज़ों को लेकर के, तैयारी है आपकी हमेशा. ओके, एक प्रिपेयर्डनेस दिखती है. साथ ही साथ व्यूअर्स आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, यानी कि कास्ट, कलर, ये वो, रिलीजन, दूसरी चीज़ें, यू नो, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी जो है कि कौन फाइनेंशियली रिच है, वीक है, ये है, वो है, सुंदर है, कम सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, यू नो, अच्छा फिजिक है, अच्छा फिजिक नहीं है, यू नो, ये इसका राइटिंग अच्छा है, इसका हैंड राइटिंग बेकार है, यू नो, कुछ भी हो, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट विद पीपल ऑन एनी बेसिस. किसी भी बेसिस पर आप लोगों के बीच में ना अंतर नहीं करते हो, डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करते हो कि नहीं मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं मैं मुझे वही लोग ठीक लगते हैं, या मुझे वैसे ही टाइप का एनवायरनमेंट पसंद है, ये वो, ऐसा नहीं करते आप. यू डोंट डिस्क्रिमिनेट, आपके अंदर ना डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं, आपको सब अपने ही लगते हैं, सबके साथ आप इक्वल बिहेव करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वली देखते भी हैं, ऐसा नहीं खाली ट्रीट कर रहे हैं, देखते भी इक्वली हैं और डील भी इक्वली करते हैं. कुछ भी आपके मन में भेदभाव है ही नहीं किसी भी प्रकार का, पैसों का, ब्यूटी का, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का डिफरेंस आप नहीं देखते. आप ऐसा नहीं सोचते कि ये गुड लुकिंग इंसान है, ये रिच इंसान है, इससे ऐसे बात करनी चाहिए, ये तो पुअर है, इससे हम ऐसे भी बात कर सकते हैं. नो, यू टॉक नाइसली विद एवरीवन. ओके, तो ये अच्छी लगती है लोगों को आप में बात. ओके, यहाँ पर व्यूअर्स लोगों को आपके बारे में ऐसा भी लगता है दैट यू आर द इम्पैक्ट. आप में सेंसिबिलिटी कितनी भी है, स्टेबिलिटी कितनी भी है, आप इंटेलिजेंट या लॉजिकल कितने भी हैं, करेजियस कितने भी हैं, ओके, हिम्मत वाले कितने भी हैं, जो भी बातें हैं आप में, बट यू आर इम्पैक्ट. इम्पैक्ट से यहाँ पे मतलब है कि आप जो है ना व्यूअर्स, वो दूसरों की तकलीफ को समझ सकते हैं या दूसरों के दुख को समझ पाते हैं, यानी कि आप ना इमोशनली अवेलेबल इंसान हैं. इमोशनली भी आप मैच्योर हैं काफ़ी व्यूअर्स, आप इमोशनली भी बहुत मैच्योर हैं, क्योंकि आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों के दुख को समझ पाना एक इम्पैक्ट का काम होता है. आप समझ पाते हैं दूसरों की तकलीफ को और इमोशंस को, या कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा है दैट आपके अंदर ना कुछ लोग, देखिए, आपकी बुराई करते हैं. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये इंसान ज़्यादा अपने आप को समझदार बनता है या बनती है, ज़्यादा अपने आप को दादी अम्मा या ज़्यादा अपने आप को टीचर बनता है या बनती है, यू नो, इस तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में करते हैं बिकॉज यू टॉक सेंसिबल. लेकिन लोगों को ये चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है. यस, कुछ लोगों को आपको, आपका इतना ज़्यादा यू नो करेजियस भी होना, सेंसिबल भी होना, इतना ज़्यादा राइट पाथ पर चलना ना, कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि इतना सही रास्ते पर कोई चले, इतना अच्छे से कोई रहे, ये रियलिटी नहीं हो सकती. ज़रूरी इंसान किसी चीज़ का ढोंग या दिखावा करता है, सच में ऐसा नहीं होगा ये इंसान, ज़रूर इसकी रियलिटी कुछ और होगी. ज़्यादा अपने आप को होशियार और समझदार बनता है या बनती है, बट एक्चुअल में इसका कोई डार्क सीक्रेट होगा. तो लोग ना कभी कभी आपके इस बिहेवियर को रियल ना मान के कि असली में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आई कॉन्ट बिलीव,
उसको रियल ना मान के थोड़ा सा उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, वो भी लोग करते हैं। देखिए सब तारीफ ही नहीं करेंगे, सब अच्छाई ही नहीं करते हैं लाइफ में। लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं, जो जेलिस भी होते हैं उसमें से कई मैजिशियन। इंटरेस्टिंग। लोगों को लगता है व्यूअर्स आपके पास ज़रूर कोई शक्ति है, कोई पावर है, कुछ एनर्जी ऐसी है जिससे आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही जाता है, या फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लोगों को लगता है व्यूअर्स कि आपके ऊपर किसी देवी देवता का, किसी फॉर्म ऑफ गॉड का, किसी डिवाइन एनर्जी का ना आशीर्वाद है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय सम डिवाइन एनर्जी, जिसकी वजह से व्यूअर्स लोगों को लगता है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपके जो इच्छा होती है एट द एंड ऑफ द डे वो आपको मिल ही जाता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। यू हैव द गुड कैपेसिटी टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, आपके अंदर अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है। वो मैनिफेस्टेशन पावर को लोग ये भी कहते हैं कि आपके ऊपर कोई अच्छी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है, या कुछ तो है सुप्रीम एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, आप समझ जाते होंगे कि क्या होने वाला है, कैसा है ये इंसान, सिचुएशन कैसी है, आपको वाइब आ जाती होगी। जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं वहाँ आप वाइब से समझ जाते होंगे, पहले से ही समझ जाते होंगे। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि या तो आप जादू मंत्र जानते हो, या फिर जादू मंत्र यानी कि वही टोने टोटके और वो सब ब्लैक मैजिक, आप वो सब जानते हो, या कुछ है आपके पास शक्ति ऐसी जिसका आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और कृपा प्राप्त है, कि कुछ है ऐसा जो कहीं ना कहीं आपको इतना स्टेबल रख रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, आपने फील किया है कि कुछ ऐसा तो होगा शायद, फिर अगर आप कहेंगे तो। यस व्यूअर्स, तो लोग व्यूअर्स यहाँ पर आपके बारे में हर तरह की बातें कर रहे हैं, बुराई भी थोड़ी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग आपके बारे में अच्छा ही कह रहे हैं, लेकिन बुराई भी हो रही है, सिमिलरली बुराई भी हो रही है, अच्छाई हो रही है, तो आपकी यहाँ पे यस सो व्यूअर्स दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में बताएं कितने परसेंट रीडिंग रेजोनेट करती है, क्या सच में आप ऐसे हैं या लोग सिर्फ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, गलत फहमी हुई है आपको, आप ऐसे नहीं हैं, इतने स्टेबल भी नहीं हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेशन हो और वो कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रही है लोगों को, या फिर हो सकता है आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, वो तो कभी कभी आप अकेले रहते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती अच्छी कोई, तो इसीलिए आप अकेले रह लेते हैं, या फिर लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग बस जेलस हैं तो कॉपी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अलग अलग मतलब हो सकता है इन चीज़ों का जो लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कमेंट्स में बताइए सच में आप ऐसे हैं या लोगों ने आपको मिसइंटरप्रेट किया है, और बताइए कितने परसेंट रेजोनेट भी की है ये रीडिंग, वो भी बताइए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें, रीडिंग को क्लेम करें, और जिन पर भी आपका फेथ है, जो भी दैवीय शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको थैंक्स लिखें कमेंट्स में। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।